सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं रानायश्वंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। निरंकारी संत बाबा हरदेव सिंह जी की मौत हत्या या हादसा, इस सवाल को लेकर हम बार बार आपके सामने आते रहे हैं। हमने इस पर 3 एपिसोड किया है, आज 4th एपिसोड है और यह सवाल बार बार लाने का कारण है। कारण ये है कि बाबा हरदेव सिंह जी की मौत जिन स्थितियों में हुई, जिन परिस्थितियों में हुई और जिस तरीके से हुई, वो हादसे की वजह से होने वाली मौत लगती नहीं है और वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगती है। इसके कारण बहुत सारे दिखते से हैं, हमने बार बार आपको वह बताया है। आज बहुत सारे ऐसे लोग साथ में खड़े हैं जो दूर महाराष्ट्र आए हुए हैं। ये सब लोग उसी संगत का हिस्सा हैं जो संगत या परंपरा बाबा हरदेव सिंह जी शुरू कर गए हैं, यानी कि निरंकारी समाज के। इन लोगों का मोह भंग हुआ और इन लोगों को एक दफ़ा लगने लगा था कि संगत के भीतर जो कुछ भी होने लगा है वो संशय और संदेह के दायरे में आने लगा है। आप लगभग 32 या 33 साल तक संगत की सेवा करते रहे और इनकी अपनी एक दुकान है, या यूँ कहिए कि एक कारोबारी हैं जो एयर कंडीशनर होते हैं एसी, उसको ठीक करने का, मेंटेन करने का। और संगत जब कभी भी मुंबई में होती थी, जब बाबा हरदेव सिंह जी जाते थे, तो उस बड़े जलसे में, उस आयोजन में जितने भी एयर कंडीशनर लगते थे, कुछ आपके होते थे, कुछ संगत के होते थे, उनको लगाने मेंटेन करने का काम आपके पास था। लेकिन 2016 के जनवरी में, यानी कि मैं उस साल का जिक्र कर रहा हूँ जिस साल बाबा हरदेव सिंह जी की मौत हुई। मौत कहाँ? कनाडा में। कैसे? रोड एक्सीडेंट में। रोड एक्सीडेंट के उन हालात पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो उस साल आपको कहा गया कि 32-33 साल से आप काम तो कर रहे हैं लेकिन अब आपको अपना आईडी बनवाना होगा, आइडेंटिटी कार्ड। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जिसमें पासपोर्ट देना होगा, आधार देना होगा और बाकी इसी तरह के कुछ ज़रूरी दस्तावेज देने होंगे। और आपको अब मंच के पास नहीं बैठना होगा, मंच जिसके ऊपर बैठ करके बाबा हरदेव सिंह जी प्रवचन किया करते थे और आप नीचे बैठ करके अपना काम करते थे, यानी केबलिंग का काम, डक्टिंग का काम, एयर कंडीशनर सब ठीक काम करते रहें, यह देखने का काम। तो अपना पूरा काम जो है अब आप यहाँ से 200 मीटर दूर केबल ले जाइए और वहाँ बैठ करके देखिए। इनको उस समय थोड़ा सा लगा कि 32-33 साल से मैं हूँ और अपना सब कुछ लगा करके सेवा देता रहा हूँ, मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, मेरे गुरु को लेकर के मेरी आस्था है, तो फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार बर्ताव क्यों? ये अपना काम करने लगे। लेकिन तभी एक घटना होती है। ये घटना उस समय की है जब वहाँ बाबा जी का एक बड़ा आयोजन होने वाला था। बाबा जी मुंबई में थे। वो घटना क्या थी, अब मैं आपके ज़रिए सुनवाना चाहता हूँ। जी जी, वो घटना ऐसी थी कि अपना पहले तो मुझे बोला गया कि आपका आधार कार्ड सब लगेगा, ठीक है चलो मैंने किया। मैं 200 फुट दूरी के ऊपर भी बैठ गया, 200 मीटर दूरी पे भी बैठ गया। लेकिन अचानक ही क्या हुआ, एक दिन रात को ना ऊपर से कुछ आवाज़ आई, ऊपर का पूरा POP टूट गया, POP टूट गया। इन्होंने हमसे छुपाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। POP पूरा टूट गया, इन्होंने रातों रात POP बनाया। कोई आदमी ऊपर चढ़ा था, मुझे जानकारी नहीं है कौन आदमी ऊपर चढ़ा था। वो आदमी ऊपर चढ़ा और पूरा POP की छत गिर गई और इन्होंने POP फिर से सेटिंग करके बनाया। वो आदमी इंटरनेट की वायर ठीक करने गया था, लेकिन वो आदमी खुद ही हैंडीक्राफ्ट था, तो उसको ऊपर जाने की क्या चाहिए। वो आदमी मुझे जानकारी मिली कि खिंडाई था, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो सनी खिंडा था, ये मुझे जानकारी मिली है। लेकिन मुझसे ये भी बात को छुपाया गया। लेकिन मुझे तभी ही शक हो गया था जब मुझे 200 मीटर दूरी पर बिठा दिया था कि पूरा। यानी आप ये कह रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मंच है, मंच के पीछे एक कमरा बना था, उस कमरे में बाबा जी रह रहे थे, उस कमरे की छत रात में अचानक गिर गई तो पता चला कि कोई ऐसा आदमी चढ़ा हुआ था जिसके चढ़ने के कारण वो छत गिर गई। वो आदमी कौन था? वो आदमी ऐसा था जो उस समय ठीक से चल पाने की हालत में नहीं था, स्टिक लेकर के चला करता था। उस समय स्टिक लेकर के चला करने वाला एक ही आदमी था, सनी खिंडा, जो बाबा जी का बड़ा दामाद है, जिसको उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश उस साल बाबा जी की पत्नी कर रही थी।
अब बाबा जी की पत्नी क्यों कर रही थी इसका जिक्र मैंने आपको पिछले कई एपिसोड में बताया है, ब्रीफ बता देता हूँ। क्योंकि उनको ये लग रहा था या परिवार को ये लगने लगा था कि परिवार से बाबा जी का कहीं ना कहीं मोह भंग हो गया है, वो खिन्न रहते हैं और इस बात से बहुत नाराज़ रहते हैं कि परिवार के जितने भी लोग हैं वो समागम के नियमों के मुताबिक या अध्यात्म के जो का जो जीवन होता है उस जीवन के मुताबिक वो जीते नहीं हैं, इनका कोई रिश्ता नाता उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से समागम के साथ या इस तरह की परंपरा के साथ जुड़े हुए लोगों का होना चाहिए। लिहाजा कहीं ना कहीं ये डर बन गया था कि बाबा जी उत्तराधिकार इस संगत का बाहर यानी परिवार के बाहर किसी भी अपने शिष्य को दे सकते हैं। इस समय माता जी ये चाहती थी यानी कि बाबा जी की पत्नी कि उनका जो बड़ा दामाद है सनी खिंडा वो उत्तराधिकार ले ले, और उसने कुछ महीनों से जितने भी लोग काम करते थे बाबा जी की जो कोर टीम थी उस कोर टीम को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था, उसका कमांड चलने लगा था, उसका आदेश चलने लगा था और फिर उसके मुताबिक संगत के सारे काम होने लगे थे। उस रात जो छत गिरी थी, जिस छत के गिरने के बाद से मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में वहाँ झड़प हुई थी, कहा यह भी जाता है। क्योंकि आपके हवाले से यह बात मैं कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ सबूत नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग बहुत नज़दीकी रहे हैं, आप लोग संगत का हिस्सा रहे हैं और बहुत नज़दीक से हर चीज़ को देखते रहे हैं, लिहाजा आपकी बात पर यकीन करने का आधार बनता है। तो उस समय दिल्ली और मुंबई की पुलिस के बीच में जो झड़प हुई थी सिर्फ इसलिए कि एक बड़ा संत जिस कमरे में रह रहा है उस समय वो वॉशरूम में गए थे, मैं ठीक हूँ? बिल्कुल ठीक है जी। जब छत गिरी थी तो बाबा जी वॉशरूम में गए हुए थे, अगर वो अपने बिस्तर पे होते और छत गिरी होती तो उनको हो सकता है कि गंभीर चोट पहुँचती, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो एक बड़ी लापरवाही थी और उस आदमी के ऊपर जाने का कारण आज तक समझ में नहीं आया और छत के गिरने का कारण भी। अब आपका संदेह और आपका सवाल कैसे गहराया? क्योंकि ये मैं आज इतने सालों से यहाँ पे लगा पड़ा हूँ, कभी मुझे कहा नहीं गया कि मैं आप अपने डॉक्यूमेंट दो, सारे पेपर दो। 2016 में ही क्यों कहा क्यों गया क्यों, फिर कहा गया तो चलो ठीक है, सारा कुछ शायद कुछ गवर्नमेंट का काम होगा, कुछ होगा। उस समय का दूसरा संदेह एक और जाता पड़ा है कि हमेशा बाबा जी जब नमस्कार होती थी, उस संगत समाप्ति होती थी, उसके बाद जब बाबा जी जाते थे तो फिर वापस स्टेज पे नहीं आते थे, लेकिन 2016 में बाबा जी गए हैं और फिर से स्टेज पे वापस आए हैं। क्योंकि मेरा काम था फैन को प्लस माइनस करने का, अब बाबा जी जब स्टेज पे आ गए हैं तो मैं फ़ैन चला सकता था नहीं, क्योंकि सारे कपड़े ऊपर की ओर उड़ते थे। तो हमने बोला ये क्या हुआ, फिर भी हमने धीरे धीरे करके धीरे धीरे फैन को ऑन किया। बाहर आ जाने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, जब बाबा जी स्टेज के ऊपर से एक बार ही उठ जाते हैं तो संगत, जब बाबा जी के उठने का इशारा हमें मिल जाता है तो हम लोग नीचे से एसी को बंद कर देते हैं ताकि उनके कपड़े उड़े ना, तो हमने बंद कर दिया और हमने पैकिंग शुरू कर दी। तो अचानक देखा बाबा जी पीछे से मुड़ के फिर से संगत के सामने आ गए, तो उस समय कुछ डाउट हमें हुआ कि बाबा जी ऐसा कभी करते नहीं, उन वो अपने नियमों पे हमेशा चलते थे। तो देखा बाबा जी फिर स्टेज के ऊपर आके संगत को बहुत ध्यान से और प्यार से देख रही, क्या हुआ? तो हमारे मन में डाउट हुआ कुछ तो बात है कि गुरु जाके फिर वापस आया। हमने फिर से एसी ऑन कर दिया, बाबा जी खड़े संगत को बहुत देर तक देखते रहे फिर चले गए। उनके जाने के बाद हमें डाउट हुआ कुछ तो बात है, अभी हमको स्टेज से नीचे से बाहर निकाल के बिठाया है और बाबा जी संगत को ऐसे क्यों देख रहे हैं, और माता जी भी नहीं थे, अकेले बाबा जी थे संगत को देख रहे। तो यानी बहुत हो गया उस टाइम पे, जो बातें पहले होती रही थीं उन बातों से अलग कुछ नई बातें होने लगी थीं और वो नई बातें सामान्य से दिखती हुई नहीं थीं, वो असामान्य से दिख रही थीं, इसलिए संदेह गहरा रहा था। आप कुछ कह रहे हैं? सर यहाँ एक गौरतलब बात करने वाली ये है कि ये जो घटना अभी दलजीत जी ने बताई इसका एक सीधा सा संबंध ये होता है कि जब भी बाबा जी समागम में जाते थे तो माता जी साथ में होते थे। अच्छा, उस 2016 में माता जी नहीं थे। बीच में जो वक्ता बोल रहे थे समागम में, उन्होंने लगभग ज़्यादातर महापुरुषों ने पूछा कि इस बार माता जी क्यों नहीं आए, इस बार माता जी क्यों नहीं आए, तो बाबा जी को स्पेशली एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि माता जी की तबीयत ख़राब है, इस कारण समागम में भाग नहीं ले सकती और वो इंटरनेट पर यहाँ का सारा सीन देख रही हैं। इसी के साथ साथ दो तीन लाइनें बाबा जी ने दोहराई थी, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी,
वो लाइनें क्या थी? एक गाने के दो लाइनें थी कि गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, न जाने कौन साथी कब छूट जाए। तो इन चीज़ों को और ये घटना को अगर जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ साजिश की बू अवश्य ही आती है। आती है। आप अहमदनगर से, मैं बार बार कहता हूँ कि इस मामले को लेकर के आपके सामने मैं क्यों आता हूँ, देश के जितने बड़े और बुनियादी सवाल होते हैं उनसे मेरा सरोकार आपका सरोकार होता है और उनको लेकर के मैं आपके सामने आता हूँ। शोज़ आप देखते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी की मौत भी इस देश के लिए एक बड़ा सवाल है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के गुरु, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जिनमें श्रद्धा आस्था रखते थे, उनकी मौत जिस तरीके से देश के बाहर कनाडा में हुई और मौत के बाद उनकी पत्नी ने उनका पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, मौत के बाद उनकी बेटी जिनके पति भी वहाँ उस हादसे का शिकार हो गए थे, जो जिंदा थे, जिंदा होने के दौरान भी जब वो वेंटिलेटर पर थे तो उन्होंने कहा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाए। यह 2-3 ऐसे फैसले परिवार के थे जो संदेह खड़ा करते हैं। और उसके बाद से सब कुछ जिस तरीके से उत्तराधिकार बाबा जी का लिया गया, जिस तरीके से उत्तराधिकार लिया गया, उनकी पत्नी को जो उत्तराधिकार मिला है वो लड़ाई अदालत में चल रही है, क्योंकि परंपरा ये रही है कि जो पीठ पर बैठा हुआ गुरु है वो अपने जीवन में ही यह तय कर देता है कि मेरा उत्तराधिकारी यह होगा, यानी कि उसकी ज़ुबान से निकली हुई बात उत्तराधिकार के लिहाज से ही मानी जाती है। लेकिन ऐसी कोई बात भी गुरु जी ने पहले कही नहीं थी, बाबा हरदेव सिंह जी ने। तो उनके पुराने वीडियो को एडिट करके और यह कहा गया कि गुरु जी ने दरअसल अपनी पत्नी को ही उत्तराधिकार देने की बात कही थी, जबकि यह बात सही नहीं है, यह उनके लोगों का दावा है। यानी कि वो लोग जो गुरु जी के उत्तराधिकार दिए जाने के खिलाफ हैं कि गुरु जी ने ऐसा कोई उत्तराधिकार अपनी पत्नी को नहीं दिया था, वो अदालत में लड़ते हैं और यह लड़ाई चल रही है। इसलिए पत्नी के फैसले, बेटी के फैसले, उत्तराधिकार जिस तरीके से लिया गया वो मामला, यह बहुत कुछ है जो बहुत इशारा करता है। मुझे हैरत इस बात की होती है और बार बार मैं सवाल इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ की जो एजेंसीज़ हैं हिंदुस्तान की, उनका भी यह फ़र्ज़ बनता है कि इस मामले को टिकअप करें। हमारा एक सिटीज़न अगर दुनिया के किसी हिस्से में मरा है और वो सामान्य मौत नहीं है, असामान्य मौत है, तो उस असामान्य मौत का कारण जानना यहाँ की एजेंसीज़ का फ़र्ज़ बनता है। हिंदुस्तान की सरकार को अपने नागरिक की मौत के बारे में या उसके कारण के बारे में जानना चाहिए, लेकिन अभी इस तरफ कोई कदम बढ़ा नहीं है। आज तक 3 साल गुजर गए हैं। मुझे लगता है कि मैं बार बार इसलिए आता हूं क्योंकि यहां के एजेंसीज, पुलिस और सरकार भी कुछ हद तक इस तरफ आना चाहिए कि एक आध्यात्मिक गुरु, एक बड़ा संत अगर इस तरीके से कहीं किसी हादसे का शिकार होता है और उसके बाद कई ऐसे सवाल खड़ा हो जाते हैं, संदेह खड़ा होते हैं जो उस हादसे पर आशंकाएं पैदा करते हैं, जो उनकी मौत पर शक पैदा करते हैं, जो कहीं ना कहीं एक साजिश का बू देने लगते हैं, फिर उसकी पड़ताल होनी चाहिए, उसका पोस्टमार्टम होनी चाहिए। यह घटना सामान्य नहीं है, असामान्य है, इसलिए बार बार मैं आपके सामने आता हूं और देश के तमाम लोग जो इस संगत से जुड़े हुए हैं, निरंकारी समाज से जुड़े हुए हैं, वो आते हैं अपने सवाल लेकर के, अपनी बातें लेकर के, और उनमें मुझे दम दिखता है, इसलिए उन लोगों के साथ मैं बार बार खड़ा होता हूँ, आपके सामने आता हूँ। आप भी अहमदनगर से हैं, महाराष्ट्र के, आप कभी मंच से प्रचारक की भूमिका में रहा करते थे, यानी कि ज़िले ज़िले में घूम करके संगत के बारे में बताना, गीता रामायण का पाठ करना और इस परिवार से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना आपका काम हुआ करता था और आपने यह बहुत लंबे समय तक किया। लेकिन जैसे ही बाबा हरदेव सिंह जी की मौत हुई, उसके बाद से धीरे धीरे कुछ चीज़ें सामने आती चली गईं, आपका मोह भंग होता चला गया, आज की तारीख में आप संगत के मुकाबले में खड़े हैं और गुरु जी की मौत की जो वजह है उसकी जानने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। आपका मोह भंग कैसे हुआ यह पूरा, चूँकि आप तो बहुत लंबे समय तक इससे जुड़े रहे हैं, तो फिर आपका अनुभव ऐसा क्यों होने लगा कि मन खट्टा हुआ? राणा जी, मैं सबसे पहले आपका वेलकम करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हम लोगों से इतनी बड़ी जो सच्चाई है उस पर आप एक मुहिम छेड़े हैं। मैं गोरखचंद वर्मा महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर से हूं और मैंने सन 2002 में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ये पवित्र ज्ञान लिया। इस ज्ञान को लेने के बाद
मैं सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, जबकि गीता, रामायण, रामचरितमानस सबसे मिलाकर देखा, तब मुझे समझ में आया कि ये ज्ञान बिल्कुल सच्चा है। और इस ज्ञान को लेने के बाद जब ये ज्ञान मुझे समझ में आई, तो मैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का तन से, मन से, धन से लेकर इन्हीं चरणों पर समर्पित हो गया। समय बीतता गया, वो भी समय आया जब 13 मई 2016 की घटना घटी बाबा जी के साथ। तो हम लोग एकदम निराश हो गए। निराश होने के बाद गुरु की बहुत सारी, इतने बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद अचानक कहीं से हमें YouTube से वगैरह ये संदेशा मिला, किसी ने बताया कि बाबा जी की हत्या सड़क दुर्घटना नहीं है, ये प्री प्लानिंग मर्डर है। ये बात मेरे कानों तक आई, पर मुझे ये बात में कुछ ज़्यादा सच्चाई नहीं नज़र आई, इस पर मैंने बिलीव नहीं किया। लेकिन जब ये बात काफ़ी जोर पकड़ लिया, तो मेरे मन ने कहा कि नहीं, इस पर कुछ विचार करना चाहिए। जब मैंने इस चीज़ को देखा, तो मैंने अपने जोनल इंचार्ज से सवाल किया, जो वहाँ के हमारे जोनल इंचार्ज थे, जिनका नाम हरीश खूबचंदानी है, उनसे मैंने सवाल किया कि ये बाबा जी की सड़क दुर्घटना को लेकर मेरे मनों में शंका है, और ये बराबर बराबर YouTube पे, Facebook पे मैं आ रहा है कि ये क्या है, आप मुझे इसका क्लेरिफिकेशन दीजिए। वहाँ के जोनल इंचार्ज साहब ने मुझे यही कहा कि आप इसको बंद कर दीजिए, और प्लीज़ मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गृहस्थी पे ध्यान दीजिए और भक्ति पर ध्यान दीजिए। ये उनका कहना था। उनका ये कहना मुझे विचलित कर दिया कि आप अपने गृहस्थी पर ध्यान दीजिए, जबकि बाबा जी का ये ज्ञान था, बाबा जी ने ये ज्ञान दिया था कि संसार में जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, वो इसलिए आता है कि वो संसार का भला करने के लिए आता है, संसार को सुखी करने के लिए आता है। ब्रह्म ज्ञानी अपने सुख शांति के लिए नहीं आता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, कबीर ने कहा है कि तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे मेघ, परोप के कारण ये चारों धारे देह। अगर वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाती, वो समाज के लिए अर्पित करती है। नदी कभी अपना जल नहीं पीती, वो समाज के लिए देती है। मेघ जो है अपना बारिश कभी अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए देता है, धरती पर निछावर करता है। तो मैं संत होकर अपने लिए सुख क्यों अर्जित करूं, मैं तो समाज के लिए आया हूं। गुरु ने मुझे यही शिक्षा दिया था। जब ये बात मैंने अपने जोनल साहब को कहा, और जोनल साहब ने ये कहा कि बाबा जी की सड़क दुर्घटना हो गई, मैंने सोचा ये इतने बड़े संत हैं, ये सच्चाई का ज्ञान देते हैं, और ये कहते हैं कि हकीकत का ज्ञान है, ये निराकार सच्चा ज्ञान है, मुझे ज्ञान पर कोई डाउट नहीं है। अगर इतने बड़े संत होकर अगर दुनिया इनके ऊपर इतनी श्रद्धा रखती, इनकी इतनी आस्था रखती है कि इनको गुरु के नज़रों से देखती है, और इनके एक एक लफ्ज़ों पर, एक एक शब्दों पर बड़े यकीन के साथ अपना तन, मन, धन अर्पण कर देती है, अगर ये इतने बड़े संत होकर झूठ बोलते हैं, तो मुझे इन संतों से तो बेहतर वो समाज के लोग लग रहे हैं, जिन्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं है। तो क्या अगर वो झूठ बोलते हैं, तो फिर उनका झूठ बोलना लाजिम है। ये बात ने मेरा दिल तोड़ दिया। दूसरी बात में एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। जो हमारे बाबा जी थे, वो वास्तव में गरीब नवाज थे। गरीब नवाज का अर्थ होता है जो गरीबों को नवाजता है। मैंने पहले भी ये बात आपसे कहा कि धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। हे भगवान, मुझे तू ही बता, क्या निर्धन वे इंसान नहीं? बाबा जी एक एक के दिल को, जिन्होंने, जिसको भी छुआ बाबा जी ने, आज वो सारे लोग बाबा जी की मुरीद इसलिए बनकर गए, क्योंकि बाबा जी वाकई में गरीबों के मसीहा थे। और ये बात मेरे आँखों के सामने घटना घटी है कि महाराष्ट्र ज़िले के अंदर बीड़ एक ज़िला आता है, बीड़ ज़िले के अंदर बाबा जी आने वाले थे एक महात्मा के घर पर, जिनका नाम था बांगरे जी। बांगरे जी के घर पर बाबा जी आने वाले थे, और बांगरे जी के शायद घर पर वो औरत झाड़ू या पोछे का काम करती है, वो भी बाबा जी के आने का इंतज़ार कर रही थी, और अपने हाथ में मुट्ठी में कुछ सामान लेकर खड़ी थी। जब बाबा जी की गाड़ियाँ आई, और जब बाबा जी आए, तो सबको कमरे से निकाल दिया गया, और यहाँ तक कि वो बहन एक कोपरे कोने में खड़ी थी, उसे भी निकाल दिया गया। जब बाबा जी कमरे के अंदर आए, हॉल में, वो औरत निकल गई। जब वो औरत निकल गई, तो बाबा जी तकरीबन 10 मिनट के बाद कहने लगे कि वो जो बहन गई है, उसे बुलाओ। तो वो बुलाया गया। बुलाने के बाद बाबा जी के सामने वो पेश हुई, तो बाबा जी ने पूछ लिया सहज में कि हाथ में क्या ली हो। तो धूप इतनी तेज थी कि उस बहन के हाथों में मुट्ठी बांधे बांधे पसीना आ गया था, और जब उसने हाथ खोला, तो उस हाथों में चना था, जिसको बाबा जी ने उठाकर उस चने को खाया, और उस चने को खाकर ये साबित कर दिया बाबा जी ने कि वास्तव में बाबा जी गरीबों के मसीहा, ये गरीब नवाज है। और वो दृश्य मैं देखा हूँ आज तक, वो दृश्य भूलता नहीं है, कि बाबा जी एक एक गरीबों की इतनी मदद करना चाहते हैं,
और आज यही मंडल है जिसमें लोग 40-40 साल से वर्दी पहनकर सेवा करते हैं और यही मंडल मानवता की शिक्षा देता है। लेकिन जब 40-40 से वर्दी पहनकर जब 40 वर्षों से 30 वर्षों से 20 वर्षों से 10 वर्षों से लोग सेवा करते हैं और जब उनकी परिस्थितियां कोई आर्थिक ख़राब हो जाती है, कभी वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कभी उनको धन की आवश्यकता पड़ती है, कभी दवा की आवश्यकता पड़ती है, तो यही मंडल उन्हें देने से कतराता है। ये कौन सी मानवता है? क्या वो यहाँ पर उनकी मानवता मर गई? क्या यहाँ पर उनकी शिक्षा को सांप सूंघ गया? मैं बार बार यही बात दोहराना चाहता हूँ कि अगर मानवता करना है तो बाबा जी कहते थे लव बिगिंस फ्रॉम होम। अगर आपको अगर प्यार करना है तो पहले अपने घर से शुरुआत करो, फिर पड़ोस से शुरुआत करो, फिर समाज से शुरुआत करो। आपके संगत के लोग ही दुखी हैं और आप बाहर के लोगों को सुखी करने के लिए चले। इसमें एक बात मैं और कहूँगा, क्योंकि उत्तराधिकार की लड़ाई इसलिए है कि जायदाद बहुत ज़्यादा है। अगर ये जायदाद 1000 की होती, 200 की होती, तो आप मान लेते कि इसमें यह उत्तराधिकार की लड़ाई की वजह से सवाल नहीं आ रहा है। सवाल बार बार बाबा जी की मौत के पीछे एक बड़ी साजिश का इसलिए पीछा करता है क्योंकि उत्तराधिकार की लड़ाई अरबों की है और यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। आप मेरे सामने हैं, अभी जब ये शो मैं रिकॉर्ड करने के लिए आया उससे पहले आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि 1997 में जब संगत के 50 साल पूरे हो गए थे स्वर्ण जयंती, तो यह कहा गया था कि आप आइए, बाबा जी मंच पर हैं और अब आप अपना वो सब कुछ अर्पित कीजिए जो आपके पास है, क्योंकि देश के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए बहुत कुछ संगत को करना है। आपने क्या किया, क्या अर्पित किया? सर 97 में इन्होंने बोला था कि आप 50वां समागम था हमारा, तो सोना दान करने के लिए बोला कि बाबा जी को सोने से तोला जाएगा, तो जो महापुरुष है बढ़ चढ़ कर सेवा करें तो उसका 100 गुना निरंकार आपको देगा। तो 97 में हमारी शादी हुई तो मेरे पति ने बोला कि आप सोने की चेन आपके गले में है तो आप ये डाल दीजिए, तो मैंने 500 के नोट के अंदर चेन डाल के नमस्कार पेटी में डाल दिया। तो फिर मुझे लगा कि शायद अगर ऐसा मिलता है तो मैंने अपने पति से चोरी से अपनी भी अंगूठी निकाल के नमस्कार पेटी में डाल दी, तो मुझे लगा शायद 100 गुना मिल जाएगा। आपकी तरह कितने लोग वहाँ होंगे? सर सभी तकरीबन बाबा जी को चेहरे को देख के ना सभी महिलाएं अपना अपना सोना उतार के पेटी में डालने के लिए तैयार खड़ी थी, सबके हाथ में थे, किसी ने अंगूठी ली थी, किसी ने कान का वो पकड़ा हुआ था, जिसकी जैसी जैसी हैसियत थी सब ने की, सब लोगों ने नमस्कार पेटी में सोना डाला था, हमने सबको डालते हुए देखा, उनको देखा तो हमारा भी मन हुआ। ऐसा तो पूरे देश में हुआ होगा। हाँ, निरंकारी समागम नवंबर में दिल्ली में होता है, वहाँ पर तो पूरे देश के अनुयायी आते हैं और वहाँ पर सभी लोग हजारों की तादाद में खड़े होते हैं और सभी लोग सेवा में। कितने दिनों का जलसा होता है ये? सर ये 3 दिन का होता है। यानी 3 दिन तक देश भर के कोने कोने से जो लोग यहाँ दिल्ली पहुँचे 1997 जब निरंकारी समाज के 50 साल पूरे हुए थे, स्वर्ण जयंती साल मनाया जा रहा था, उस साल में जितने भी लोग 3 दिनों में आए, लाखों की तादाद में आए होंगे, उन लोगों से कहा गया था कि आप जो कुछ भी यहाँ अर्पित कर रहे हैं अगर आप अपना गहना देते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति ज़्यादा होगी। जैसे इन्होंने ज़्यादा पुण्य पाने के लिए अंगूठी भी अलग से डाल दी पति को बताए बगैर, तो इस तरीके से बहुत सारी महिलाएं आई होंगी और उन्होंने बाबा जी को देख करके, अपनी श्रद्धा भक्ति को देख करके अपने गहने उसमें डाल दिए होंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछने लगे हैं कि वो जो गहने आए, जो क्विंटल के क्विंटल होंगे, उन गहनों का क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि जब ऐसी संगत होती है, ऐसा जमावड़ा होता है जब लाखों लाखों लोग आते हैं, सालाना जलसा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें करोड़ों करोड़ का चढ़ावा होता है, उस चढ़ावे का क्या होता है, कोई हिसाब नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह मामला जो उत्तराधिकार का है, दरअसल वो बहुत बड़ा है, अरबों का है, और उस अरबों की जायदाद को अपने हाथ में रखने के लिए परिवार ने बाबा जी पर सवाल और संदेह करना शुरू कर दिया था कि कहीं बाबा जी ऐसा तो नहीं है कि अपने बाद किसी गैर आदमी को, परिवार के बाहर के आदमी को उत्तराधिकार दे देंगे। इस कारण से भी बाबा जी जिस हादसे में मारे गए उस हादसे का कोई कनेक्शन हो सकता है किसी साजिश से। साजिश में बार बार कहता हूँ क्योंकि मैं इस सवाल को लेकर के आता हूँ और मैं ये चौथी पांचवी बार कह रहा हूँ कि वो हत्या नहीं, वो हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। इसके कारण बहुत सारे हैं जो आप लोग कहते रहते हैं और आप लोगों के हवाले से मैं जाता हूं। अब दिल्ली में आता हूं,
मैं अनुराग तन्हा को फिर बुलाना चाहूँगा। दिल्ली में बाबा जी ने गरीब बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए ज़मीनें लीं और ज़मीन लेकर के उन्होंने स्कूल बनवाए। ये स्कूल जो थे वो गरीब परिवार के, कमज़ोर परिवार के बच्चों को पढ़ाने और फिर उनको तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए बनाए गए। लेकिन उन स्कूलों का क्या हुआ? उन स्कूलों का आप थोड़ा सा मेरे पास आ जाइएगा। उन स्कूलों का दिल्ली में क्या हुआ और कितने स्कूल हैं, कहाँ कहाँ हैं? ये पहला स्कूल तो निरंकारी पब्लिक स्कूल, निरंकारी स्कूल। इसके बाद ये ब्रांचों में खुलते गए। जिन जगहों को निरंकारी मंडल ने कब्जा कर रखा था, एक एक एकड़, दो दो एकड़, उन कब्जे की जगहों पर संगत हुआ करती थी, सरकारी हस्तक्षेप नहीं था, वहाँ गरीबों के लिए स्कूल खुलवाए बाबा गुरुबचन सिंह ने। कि यहाँ गरीब लोग, झुग्गी झोंपड़ियों के लोग थे आसपास। बाबा जी का ध्यान था कि इन गरीब बच्चों को कोई पढ़ाने वाला नहीं है, शिक्षा महंगी हो रही है, उन्होंने स्कूल खिलवाए। हैरानी की बात यह है कि बाबा जी के रिश्तेदारों ने तुरंत उन पर ऐसा कब्जा किया जैसे उन्हें कोई गद्दी मिल गई है, खजाना मिल गया है। और बरसों बरस ये चलता रहा। एक खास बात है राणा जी, 2008 के इर्द गिर्द की बात है, 80C के अंतर्गत निरंकारी मंडल की रसीद चलती थी जिसमें इनकम टैक्स का फ़ायदा इनको मिलता था, रिलीफ। एकाएक वो रसीद बंद हो गई और अब आप देखेंगे संत निरंकारी मंडल की रसीद पे कोई 80C का फ़ायदा नहीं है। वजह क्या है कि कमिश्नर ने इन पर टैक्स ठोक दिया था तकरीबन कोई 30%, और कह दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि आपके कामों में कोई चैरिटी नहीं है, ज़मीन की खरीद है, ज़मीन की बिक्री है, तुम्हारे टूर हैं, समागम के खर्चे हैं, कोई भूखों को खाना, गरीबों की सेवा कहीं नज़र ही नहीं आ रही, दिखावे की नज़र आ रही है। आप हैरान होंगे, कोर्ट में पेपर लगे हैं, ये लोग कोई 400-500 करोड़ का कलेक्शन दिखाते हैं और मानवता सेवा के हेड में लिखते हैं 47 लाख रुपया, और वो भी किनको, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको, वृद्ध हैं, अपाहिज हैं उनको, और वो भी इनके सिफारशी लोग, 47 लाख, 400-500 करोड़ का कलेक्शन, ये मानवता। खैर मैं आता हूँ अपनी बात पे। तब इन्होंने ये निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन बनाने की योजना बनाई और बेशर्मी की तरह ये अपने सदगुरु, जिसको कहते हैं कि अन्नदाता है, दुनिया को देने वाला है, उसके सामने पहुंचे भीख का कटोरा पकड़ाने के, बाबा जी इसमें इनकम टैक्स भी नहीं पड़ेगा और इसमें दुनिया से दान भी बहुत आएगा। मैं समझ सकता हूं कि बाबा जी के हृदय को कितनी पीड़ा हुई होगी, क्योंकि मैं बाबा जी की ज्योत को जानता हूं, वो दौलत और पैसों के लिए नहीं आता, वो आता है मानवता के लिए। मेरा सवाल कुछ दूसरा है। जी जी, मैंने ये पूछा था कि जो स्कूल बनाए गए थे उन स्कूलों की आज की तारीख में हैसियत क्या है? उन स्कूलों को चैरिटेबल फाउंडेशन की हेड बाबा जी की बहन विद्या छाबड़ा ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और उनको कॉरपोरेट स्कूल बना दिया है। वो खुद कॉरपोरेट की हिस्सा है, लेविश लाइफ जीता है उनका पूरा परिवार, उनका अपना समाज। दरअसल आप ये कह रहे हैं कि चैरिटी के नाम पर जो ज़मीन ली गई, स्कूल बनाया गया गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, उन स्कूलों को धीरे धीरे पब्लिक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। ये तस्वीरें जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये दिल्ली की वो तमाम पब्लिक स्कूल हैं जो इसी ट्रस्ट के तहत आते हैं, जिसको चैरिटेबल ट्रस्ट कहते हैं, लेकिन ये पब्लिक स्कूल बन गए हैं, मोटी फीस उगाहते हैं और यह कमाई का बड़ा ज़रिया हो गए हैं। और यह पूरा जो स्कूल का चेन है बाबा जी की बहन चलाती हैं और उनकी अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी जो है वो आलीशान है और बहुत शोहरत दौलतमंद लोग हैं वो लोग। तो अब ये चैरिटी का जो असली चेहरा है वो एक ये भी है स्कूलों के ज़रिए जो आप देखते हैं। एक लगे हाथों एक बात और कहूँगा, आप चाहें सर्वे करा लें। सन 2015 में बाबा जी को फूड पॉइजनिंग हुई थी और सारे निरंकारी जगत में जहाँ जहाँ तक जानकारी पहुँची, चर्चा ये थी कि बाबा जी को जहर दिया गया है। इससे पहले भी बाबा जी को कुछ ऐसा किया गया था और उनका इलाज सामा, डॉक्टर सामा के हॉस्पिटल में हुआ था, मुझे ये भी मालूम है, मैं वहाँ भी दर्शन करने गया था। बाबा जी के साथ ये हादसे भी जिंदगी में गुजरे हैं जिनको दबा दिया गया, संगतों में बहुत लोग जानते हैं। दरअसल आप सब लोग हैं ये संगत का हिस्सा रहे हैं, समाज का हिस्सा रहे हैं। आप जो कुछ भी कह रहे हैं आप कह सकते हैं कि आपका अपना कोई स्वार्थ होगा और स्वार्थ के कारण ही आप लोगों ने अपने बयान बदल दिए। अगर 30 साल 40 साल 20 साल तक आप उसी संगत का हिस्सा रहे हैं तो अचानक बाबा जी की मौत के बाद आप लोगों ने अपने आप को अलग करना कैसे शुरू कर दिया? हो सकता है कि आपके मन की मुराद पूरी नहीं हुई हो सकता है कि आपका अपना स्वार्थ पूरा नहीं हुआ हो, इसलिए आप
इतने आग बबूला हैं और इस तरीके से चीज़ों को दुनिया के सामने रखने लगे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बाबा जी की मौत के बाद, चूँकि मैं बहुत लंबे समय से इन लोगों के संपर्क में आया और मैंने जानने की कोशिश की धीरे धीरे, चूँकि ये कमज़ोर लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये देश के तमाम हिस्सों में रहने वाले लोग हैं जो बाबा जी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, इनका धर्म ही उन बाबा जी की राह पर चलना हो गया था, इनका जीवन ही यही है। तो कुल मिलाकर के बाबा जी की मौत का कारण इनको जानना चाहिए, इनके समाज को जानना चाहिए। इसकी लड़ाई में जब ये सामने आए तो उसके बाद से धीरे 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 कुछ दस्तावेज आने लगे, कुछ सबूत आने लगे, ये निकालने लगे और बहुत जगहों पर जो सरकारी संस्थान होते हैं, कचहरी हो, पुलिस, इन सब जगहों पर जब इन्होंने हाथ मारे तो बहुत सारे दस्तावेज इनके सामने आए और उसके ज़रिए इन लोगों को पता हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जो गड़बड़ रही हैं, वो अधर्म का हिस्सा रही हैं, पाप का हिस्सा रही हैं और वो ठीक रास्ते पर चलने वाले लोगों की निशानियाँ नहीं हैं। इसलिए संगत के भीतर जितने भी लोग आज पीठ पर बैठे हुए हैं वो शक के दायरे में हैं, सवालों के दायरे में, चूंकि उनके पास संपत्ति बेहिसाब है, साधन संसाधन उनके पास है, लोग उनके पास हैं, ताकत उनके पास है, इसलिए इन लोगों की लड़ाई को दबा कर रखते हैं। जो सच है जिसको दुनिया के सामने आना चाहिए उसको छिपा कर रखते हैं, जो दस्तावेज़ और गवाहियाँ हैं, जो सबूत हैं, उसको कहीं ना कहीं धकिया करके रखते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत है, उनके पास लोगों की ताकत है। इस ताकत ने सच को कहीं ना कहीं झुठला के रखा है, लेकिन सच सच होता है, कुछ देर तक वो दबा रह सकता है लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता है, उसको आप मार नहीं सकते हैं। इसलिए उस सच की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं और मुझे बतौर पत्रकार बार बार लगता है कि नहीं, इस बात की जांच होनी चाहिए कि बाबा हरदेव सिंह जी की मौत जिस सड़क हादसे में कनाडा में हुई, उस सड़क हादसे के पीछे कोई बड़ी गहरी साजिश तो नहीं थी। हादसा दिखाया गया, हत्या की गई या फिर हादसे के दौरान ही मौत हुई, एक वाजिब सवाल है। देश का कोई सामान्य नागरिक हो तब भी उसकी जांच होनी चाहिए। यह तो असाधारण पुरुष थे जिनके फॉलोअर्स की संख्या इस देश में और दुनिया के तमाम हिस्सों में करोड़ों में है। इस सच का जानना हमारे लिए, आपके लिए, इस देश की हुकूमत के लिए, यहाँ की एजेंसीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए बार बार वो जितने लोग दुनिया के तमाम हिस्सों में और देश के तमाम हिस्सों में हैं जिनके पास अपने कहने को है, अपने सबूत हैं, अपना भोगा है, वो सब आएंगे, अपनी बात रखेंगे तब तक जब तक सच सामने नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और नमस्कार।